फाइनली द डे इज हियर। सबसे पहला काम जो है ना, सारा सामान हमें ऊपर लेके चलना है। तो पहले मुझे यहाँ से जितनी वार्डरोब से सब खाली करनी पड़ेंगी। मेरे वार्डरोब की हालत कभी ऐसी नहीं हुई, लाइक जस्ट लुक एट दिस, लुक एट द मेस गाइस। कभी ऐसी हालत नहीं हुई मेरी वार्डरोब की। कपड़े सारे ना उसमें ऐसे उलझे पड़े हुए हैं, तो मुझे कपड़े मिल ही नहीं जाएंगे। मैं पहनूँ तो पहनूँ क्या? जो भी ये 3-4 कपड़े यहाँ पड़ेंगे, मैं डेली बस वही रिपीट कर रही हूँ। तो हम धीरे धीरे करके चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू क्लीन माई रूम। सामान इतना सारा है, अब मैं इसको कहाँ रखूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कौन से डब्बे में ये सब करके रखूँ? मतलब वो वार्डरोब पूरी खाली कर दी है मैंने, वो वाली पूरी खाली हो गई है। सामान है ना, सब मैंने अच्छे से नीचे से ऑर्गेनाइज करके लेकर आई हूँ। मैं सारा मैंने एम्ब्रॉयडरी का सामान रख दिया है, ये जैसे एम्ब्रॉयडरी एंड बकरम वगैरह जो भी इसमें स्टिचिंग का सामान आता है वो रख दिया है। और इसमें सारे कतरन वगैरह भर दिए हैं मैंने, जितने फैब्रिक है मेरे पास मैंने अभी के लिए वो भर दिया है। एंड यहाँ पे सारा ये कागज़ वाला जितना सामान होता है, स्टेशनरी, ये पूरा जो है ये अभी स्टेशनरी है सिर्फ, अभी ये पूरा भी नहीं लाया मैं ऊपर। और ये डब्बा बहुत कम आया, इसमें मेरे बहुत सारा सामान मैंने फिट कर दिया है। दिख रहे ना जितना भी डेकोर आइटम मैंने यहाँ पे रख दिया है, ताकि कुछ भी टूटे फूटे ना, क्योंकि ये वैसे भी ये कपड़े वाली अलमारी है और इसमें अभी रॉड लगा नहीं है। वेट माय क्यूटी। सबसे पहला प्लांट जो मैंने इस रूम में रखा है वो ये है। मेरा सिर इतना घूम रहा है, मेरे पास इतना सामान है। जब मम्मी ऐसे कहती थी ना कि यार तुम्हारे पास इतना सामान है सब फेंक दूंगी उठा के, आज भी सन में आ रहा है कि क्यों कहती हैं वो कि मेरे पास इतना सामान है। भरा पड़ा है भाई, भरा पड़ा है। अब उसी सामान को ऊपर अरेंज करना रहेगा, तो वो सब करेंगे बाद में। अभी के लिए मैं जा रही हूँ शाल लेने, क्योंकि बाल भी गंदे हो गए हैं और इस ब्रांड का शूट भी करना है मुझे अभी। तो मैं सोच रही हूँ मैं हेयर वॉश कर लूँ, फिर उसके बाद मुझे मे बी कॉलेज जाना है, और कॉलेज जाने के बाद मैं आऊँगी घर। सो या लेट्स सी, बैक एट होम। कॉलेज वाला जो भी काम था वो ख़त्म करके मैं वापस घर आ गई हूँ। नाउ आई एम गोना गो एंड चेंज एंड कुछ कंफर्टेबल घर वाला कुछ कपड़ा पहनने जा रही हूँ। व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि सामान रखने से पहले एक मैं आज ना एक कॉर्नर जो है वो कंप्लीट करना चाह रही हूँ, लाइक अभी मैं दोपहर में, ताकि आई डोंट हैव टू लुक फॉर लाइक क्या करूँ मैं क्या करूँ। सो वी आर गोना डू दैट। डेकोरेशन का जितना सामान था ना अभी मैंने उसमें रख दिया है, बिकॉज वो वार्डरोब में कुछ करने नहीं वाली हूँ अभी। इसमें क्लोथिंग वाला बनने वाला ही पूरा, तो इसमें कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि सारा सामान एक बार जब अंदर होगा ना तो आई कैन यू नो डेकोरेट दी रूम। और इसमें तो ये सामान ऐसे ही रखा रहेगा अभी। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं हमारी वार्डरोब्स के को कवर करने के लिए। पहले ये रहता था कि न्यूज़पेपर से कवर कर लेते थे, उसके ऊपर स्टफ रखते थे। अब जब से वॉलपेपर वाला चीज़ आया है ना कि यार इसको बिछा दो, फिर उसके बाद इसको हटानी पड़ता है, बस कपड़े साफ करना पड़ता है। सो आई एम गोना डू दैट। द नेक्स्ट डे, ओके आई एम बैक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल वर्क। So what I have planned for this area right now, there I will be shooting videos, so I am going to keep that space अभी के लिए खाली ना। ये यहाँ पे नेल वाला काम करवा लिया था कुछ दिन पहले, सो नेल वाला जो काम था वो हो गया है। दिस इज लाइक गोइंग टू बी माई विजन बोर्ड और एनीथिंग। सो वॉट आई एम थिंकिंग इज जस्ट प्लेसिंग इट लाइक दिस, शूटिंग बोर्ड। एंड आई हैव टू, अभी मुझे दूसरा पता नहीं मैं कहाँ लगाने वाली हूँ। अभी के लिए ये यहाँ पे होने वाला है। एंड सबसे पहला जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ वो कर्टन चेंज करने का, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू एड अ लॉट हेयर। तो बहुत दिनों से ना मैंने कुछ इंस्पिरेशन सेव करके रखी पिंटरेस्ट पे। फॉर टेबल आई हैव दिस थिंग हैपनिंग, लाइक कुछ ऐसा मैंने सोचा है करने का। लेट्स सी इफ दिस इज़ गोना हैपन और नॉट, बट या दैट्स द प्लान फॉर राइट नाउ। आई एम स्टिल स्क्रॉलिंग ऑन पिंटरेस्ट चेकिंग फॉर वॉट आर द थिंग्स दैट आई कैन ऐड। I will keep doing that, I know that. Let's clean this area first. Ta-da! It's done! We have the new curtains. Wow! Beautiful green color. This looks so pretty! Oh, camera mein bhi kitna acha lag raha hai. This is something similar to this because ye bhi green hi hai. And main white curtains karna chahi thi, but bahut zyada white ho jata hai uske liye. हम लोगों ने ये ग्रीन वाला चूज किया है। लेट्स डू दिस। और इसमें ना ऐसे ही ऑलरेडी रिंग्स भी पड़े हुए हैं, टैग लगा हुआ, और वो हटा देते हैं पहले।
यहाँ पे हम दो कर्टन्स का यूज करने वाले हैं, वन इज ऑन दिस साइड एंड द अदर इज ऑन दिस साइड. लेट्स डू इट. कितना सुंदर लग रहा है यार, ये इतना सुंदर दिख रहा है ये, और कैमरे पे भी उतना ही अच्छा दिख रहा है एंड एक्चुअल भी बहुत सुंदर लग रहा है. इवन लाइक जो हमने कलर कॉम्बिनेशन पिक किया है ना, वो बहुत सही जा रहा है. अर्धी टोन्स. अभी प्लानर में ना मैंने कुछ ये चीज़ें पिंटरेस्ट स्क्रॉल करते करते लिखी हैं. तो स्टडी टेबल के साइड पे हम रखने वाले हैं लैम्प, प्लांट, प्लानर, लैपटॉप, और ग्रिड फ्रेम होने वाला है, कैनवास होने वाला है, कैलेंडर, बास्केट. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस टेबल पे रखने वाले हैं. टेबल पूरी प्लेन होती ना, ये ऐसे जोड़ नहीं पड़े होते तो ये अच्छा लगता. बट मैंने ये सोचा कि मैं वॉलपेपर यूज़ कर लूँगी, बट वॉलपेपर अभी पहले मैं वॉडोस यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी. तो अभी के लिए अभी हम इसको ऐसे डेकोर करने वाले हैं ताकि एक हमें व्यू मिल जाए कि कैसा लगने वाला है ये. विंडो कॉर्नर इज डन और ये भी दरवाजे वाला काम भी मैंने कर दिया है. पर्दे थोड़े से नीचे छोटे पड़ रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं इनको खोल दूं, पर यहाँ तो नीचे कपड़ा ही नहीं है, एकदम एज पे वो लगाया गया है सीन. तो ये फिलहाल अब ऐसे ही रहने वाला है, विच इज़ लाइक ठीक है, दरवाज़ा बंद ही रहेगा ज़्यादातर. ठीक है, काम कर लेंगे. हमारा जो है वो बेड वाला कॉर्नर करना है, विच इज़ अ मेस. इट इज़ अ मेस. सो हम ये कंप्लीट करने वाले हैं कॉर्नर. लेट्स डू इट. छोटा सा स्टूल मम्मी लेकर आई थी मेरे लिए क्योंकि मैं ज़्यादातर नीचे बैठे काम करती हूँ. तो अभी के लिए आई एम कीपिंग दिस हियर. बुरा नहीं लग रहा था. मैं ना धीरे धीरे ये सब रख रही थी ऐसे एक दो दिन में, जो कि मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा. लाइक एक्सेप्ट दी बुक, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी. तो अभी हम इस पे काम करने जा रहे हैं. नेल लगवाई थी उनसे कारपेंटर से कह के. काम तो उन्होंने सही किया है, पर इतनी बड़ी नेल लगाने की क्या जरूरत थी भाई साहब. मतलब काली पूरी नेल दिख रही है वो, जबकि जो यहाँ पे मैंने प्लम्बर से नेल लगवाई थी उन्होंने कितने सटीक तरीके से लगाया है. मतलब दूर से अगर आदमी देखे तो उसे दिखेगी भी नहीं वो. प्लानर से सिंबल लाइफस्टाइल का प्लानर था, इससे मैंने ये सारे निकाल लिए हैं. कूल राइट, ये वाला सबसे अच्छा लग रहा है. बट दिस इजंट गोइंग विद दी रूम पैलेट. अभी इस रूम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं डेकोर के लिए. मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, जैसे मुझे एक स्टिचिंग एरिया चाहिए, पर्टिकुलर स्टिचिंग एरिया जहाँ पे आराम से बैठ के सिलाई कर सकूँ, अपना असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकूँ या कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकूँ. फ्लोर बेड टाइप का कुछ चाहिए तो वो भी मुझे फिगर आउट करना है. मुझे ये बेड के साइड पे करना है, उसका मेरे पास सामान नहीं अभी. एंड एज सेड ये जो रूम है इसमें अभी बहुत सारा काम होना बाकी है. तो ये ना यहाँ पे ही मैं वीडियो एंड करने जा रही हूँ. ये था हमारा पार्ट वन रूम डेकोर का. पार्ट टू जो है वो नेक्स्ट वेंसडे को आ रहा है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.